तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सेट कंटिन्यू करेंगे जो मैंने पिछले लेक्चर्स में स्टार्ट किया था। हमने इंट्रो देखा था, उसमें कुछ बेसिक आइडियाज़ अबाउट सेट हमने देखा था कि सेट क्या होता है, और उसके बाद उसके डेफिनेशन देखे थे कि ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं जो वेल डिफाइंड होने चाहिए। और उसके बाद हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स तीन देखे थे जो फ्रिक्वेंटली सेट थियोरी में यूज होते हैं। उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आज देखेंगे कि हम आज इस लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं। तो आपको इस लेक्चर में सीखने को मिलेगा सेट क्या होता है, वो आप सीख चुके हो। नोटेशन उसका देखेंगे कि सेट को हम सिंबल किस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद मेंबर क्या होता है, सेट में मेंबर हम किसको बोलते हैं वो हम देखेंगे, उसका मेंबर का डेफिनेशन देखेंगे। और उसके बाद कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं सेट में, वो हम देखने वाले हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं सेट से। सेट आपको पता ही होगा उसका डेफिनेशन था, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है एग्जैक्ट, मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में बताया था। तो आज हम देखेंगे कि सेट को डिनोट किस सिंबल से कर सकते हैं। तो इसको हम, इसका जो नोटेशन होता है सेट का, उसको हम जो कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं बस उनसे डिनोट कर सकते हैं। नॉर्मली उनसे ही हम डिनोट करते हैं, कैपिटल जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं जैसे ए बी सी डी ऐसा जेड तक। और उसके बाद हम देखने वाले मेंबर क्या होते हैं। तो आपको पता ही, जो हमारा सेट जैसे ए हो गया उसमें कुछ मेंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो ये जो हमारे एलिमेंट होते हैं सेट के, जो एलिमेंट होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, इनको ही हम इसका सेट ए का मेंबर या एलिमेंट बोलते हैं। ये जो हमारे 1 2 3 4 5 6 है इनको हम या ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, या हम इसको मेंबर भी बोलते हैं। तो इसको हम मेंबर बोलते हैं। और उसके बाद हम कुछ स्पेशल सिंबल देखने वाले हैं जो सेट थ्योरी में यूज होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सेट थ्योरी में कुछ ऐसे सेट मिलेंगे जिनको हम बार बार यूज करते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं किस सिंबल से डिनोट करते हैं। पहले तो हम देखेंगे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपको पता ही होगा। नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, और सब इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पे डेसिमल नंबर्स नहीं होंगे, जैसे 1 2 3 जो हम नंबर काउंट करते हैं, काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वही होंगे हमारे 1 से स्टार्ट होने वाले नेचुरल नंबर। तो जो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर होता है उस सेट को हम, अगर एग्जामिनर या कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो ए बी सी है, तो हम उसको एन से डिनोट करेंगे। और नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारा होता है 1 से स्टार्ट होता है, वो 1 2 3 4 5 to infinity। और उसके बाद हम देखेंगे सेट ऑफ ऑल होल नंबर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में कई बार बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि उसमें डिफरेंस क्या है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में बस ये डिफरेंस होता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर होता है जो उसमें 0 भी इंक्लूडेड होता है, बस ये डिफरेंस होता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और उसके बाद 1, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ये 0 to 1 to 3, इसमें भी सब इंटीजर्स होते हैं टू इन्फिनिटी। और हम सेट ऑफ ऑल होल नंबर, जब तक एग्जामिनर जो हमारा वो अगर स्पेसिफाई नहीं किया है कि ए बी सी सेट का नाम ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, एक्सेट्रा कुछ भी, तो हम इसको डब्ल्यू से ही डिनोट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सेट ऑफ दिस सेट ऑफ ऑल
रियल नंबर्स। तो आपको पता ही होगा जो रियल नंबर्स का सेट होता है उसमें सब जितने भी नंबर्स होते हैं प्लस माइनस डेसिमल नंबर्स सब इंक्लूडेड होते हैं। तो जितने भी नंबर्स हमारे पास है वो सब रियल नंबर्स होते हैं, तो उनको हम आर से डिनोट करते हैं। आर सेट सेट का नाम जो रहेगा वो आर रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे जेड से हम डिनोट करते हैं दिस सेट ऑफ इंटीजर। जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं उनको हम जेड से डिनोट करते हैं। इस इंटीजर में हमारे जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो भी आ जाएंगे। ये माइनस इन्फिनिटी है, -3, -2, -1, उसके बाद 0, 1, 2 सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो इस सेट में सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में इंक्लूड हो जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्यू। क्यू को हम रेशनल नंबर मतलब दिस सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। तो जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम जैसा सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा तो जो रेशनल नंबर हमारा होता है उसको सब लोग बोलते हो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। इसका मतलब क्या होता है कि और जो ए पी और क्यू होता है, पी और क्यू हमारा जेड से बिलोंग करता है। मतलब जेड हमारे यहाँ पे क्या है, जेड हमने पहले बताया, मैंने पहले आपको बताया कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होता है। मतलब जो हमारा पी और क्यू होगा वो इंटीजर्स होगा, जैसे 2, 3 बाई 2 या 5 बाई 4 ऐसे हमारे इंटीजर्स होंगे, इनको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो लगभग हमने देख लिए। अगर एक और सेट देखना हुआ तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑल इंक्लूड कर लो, क्योंकि जितने भी कॉम्प्लेक्स रहेंगे वो सब रहेंगे सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता ही होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम 3 प्लस 2 i या 4 प्लस 5 i ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव टू पॉजिटिव जितने भी होंगे वो इस सेट में इंक्लूडेड होंगे। तो हमारा ये जितने भी 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो सेट है वो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये बार बार हमारे सेट थियरी में आने वाले हैं। जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको याद रखना है, जब भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आए तो माइंड में ऐसा आना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, और उसका नोटेशन जो होता है वो एन होगा। और उसके बाद डब्ल्यू जब भी आए तो आप समझ जाना कि वो सेट ऑफ होल नंबर्स है। और आज अभी भी आए तो आपको ऐसा याद रहना चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर्स है। जेड जब भी आए तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। और उसके बाद जब भी क्यू आए तो वो है रेशनल नंबर्स, और सी जब भी आए तो कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह से बहुत से सेट होते हैं जैसे प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, तो वो सबके जो नोटेशन रहेंगे वो हमारे जो प्रॉब्लम्स रहेंगे उनमें एग्जामिनर देगा। बट ये जो होते हैं इम्पॉर्टेंट है, और ये इनको हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसी से डिनोट। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि सेट क्या होता है, उसके बाद सेट को किससे डिनोट कर सकते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि मेंबर क्या होता है सेट में, हम सेट में किसको मेंबर बोलते हैं। तो एक बार वापस से मैं समराइज करूँ तो सेट को डिफिनेशन आपको पता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है हमारा सेट। और उसके बाद हमने नोटेशन देखा, तो आपको बस सेट को हम बस कैपिटल जो अल्फाबेट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उससे ही हम इसको डिनोट करते हैं, जैसे ABCD। और उसके बाद हमने मेंबर देखा सेट सेट का मेंबर क्या होता है या एलिमेंट क्या होता है। तो जो कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स मिल के सेट बनाते हैं उनको हम बोलते हैं मेंबर या एलिमेंट। और उसके बाद हमने कुछ स्पेशल या सेट होते हैं जो इम्पोर्टेंट सेट होते हैं उनको देखा, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, और उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर्स, उसके बाद सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमने कुछ सेट देखे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो
तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स होते हैं उसके साथ ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक करो, और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो।